ड्यू एसक्यूएल के अंदर आप अगर आपकी ईआर आ जाती है तो भाई एक बड़ा पंगा हो जाता है। ईआर का मतलब है असेंशियल रिपीट, यानी कि आपको अपना एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। अब जो ईआर आई है आपकी, हो सकता है आप फेल हो गए उस पेपर के अंदर या आप एब्सेंट थे उस एग्जाम के अंदर, तो दोनों ही सिचुएशन में उसको हम बोलते हैं असेंशियल रिपीट, यानी कि आपको वो पेपर दोबारा से देना पड़ेगा। तो आइए आज के वीडियो में ना ये पूरी डिटेल समझते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स चले आ रहे हैं पीछे से, इनमें से किसी में भी अगर आपकी बैक है तो आपको अभी क्या करना है और आपके एग्जाम कब होने वाले हैं, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। तो सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन प्रेस करो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बिकॉज बहुत सारी क्लासेस हम लोग ऑनलाइन मोड पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी कंपनी लॉ की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। कंपनी लॉ का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको डिटेल मिलेगी। हमारा एक फ़ोन नंबर भी है जिस पर आप टीम से भी बात कर सकते हैं। तो चलो यार, समझते हैं फटाफट से कि जिन लोगों की बैक आई है उनको क्या करना है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा उन लोगों की जिनका फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आई है। अभी जैसे एग्ज़ाम हुए हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो और थर्ड सेमेस्टर के भी अभी खत्म हुए हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के भी अभी खत्म हुए हैं। अगर आपकी बैक आ जाती है बाई चांस, हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया बिकॉज एग्जाम ही अभी खत्म हुए हैं, अगर आप लोगों में से किसी की भी बैक आ जाती है या आप एबसेंट हो जाते शो हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको वो एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। अब वो जो एग्ज़ाम होता है ना आपका, वो होगा 2024 के एंड में जाकर, यानी कि दिसंबर में वो एग्ज़ाम आपके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और आपको उसके लिए एक एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करना होता है, बट वो अभी नहीं फिल करना, वो आप मान के चलिए करीब करीब अगस्त सितंबर के आसपास वो आपका फॉर्म आएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं उन बच्चों की जो पुराने बच्चे चल रहे हैं, यानी कि जो बच्चे CBCS मोड के हैं, जिनका एडमिशन मेनली 19-20 में हुआ था, ठीक है। उन लोगों की अगर सेकंड फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर में बैक आई है, तो बैक आई थी रदर, तो उनका जो एग्ज़ाम है ना वो एग्ज़ाम होगा अभी 2024 के अंदर मई जून के अंदर, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अपने एग्जाम फॉर्म के लिए ना आपको अपना डैशबोर्ड रेगुलरली चेक करते रहना है। उस डैशबोर्ड के ऊपर ही यू विल गेट द लिंक फॉर योर दिस ईआर फॉर्म फिलिंग, तो रेगुलर बेसिस पर आपको वो चेक करते रहना है। जैसे ही डैशबोर्ड पर लिंक आएगा आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर देना है, और मई जून में 2024 में आपके ये एग्ज़ाम्स होंगे ईआर के। मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की, जो कि CBCS मोड वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वहाँ पर तो जो भी फीस वगैरह होगी वो आपको पे करना है, फॉर्म फिल करना है, अकॉर्डिंगली आप फिर एग्जाम में बैठ पाएंगे। अब तीसरी बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लॉन्च हुई थी उसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी सेकेंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में बैक आई है, तो वो बैक का एग्ज़ाम कब होने वाला है भाई? ऐसे जो बच्चे हैं सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर वाले, अगर उनकी बैक आई थी, NEP बैच की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ना ईआर का, वो होगा आपका मई जून 2024 में, ठीक है। हालांकि अभी डेट शीट नहीं आई है, डेट शीट जैसे ही आएगी उसका भी आपको अपडेट मिल जाएगा, और आपके लिए इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म अभी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे मैं एक चीज़ रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप अपना डैशबोर्ड, आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो यार, आपको अपना डैशबोर्ड चेक करना ना रेगुलर आपका एक काम होना चाहिए कि दिन में एक बार मुझे अपना डैशबोर्ड ज़रूर चेक करना है। 2 मिनट लगते हैं उसको चेक करने में कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी नई चीज़ आई है उसके अंदर, तो आपको उसके बारे में अपडेट मिल जाए। ऑल दो चैनल के थ्रू भी ऑलवेज ट्राई कि हम आपको अपडेट देते रहें, बट फिर भी आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि अपने डैशबोर्ड को, क्योंकि भाई वो आपका ही डैशबोर्ड है, तो रेगुलर उसको एक बार दिन में कम से कम चेक करने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो ईआर का मतलब असेंशियल रिपीट, दोबारा आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, चाहे आप फेल हो गए थे उस पेपर में, चाहे आप एब्सेंट थे, कुछ भी रीज़न रहा हो, देना आपको ज़रूर पड़ेगा वो पेपर। तो हर तरह के स्टूडेंट्स की मैंने डिटेल यहाँ पर दे दी आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिएगा, मैं और मेरी टीम मिलकर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को। और मैं आपको वापस से याद दिला दूँ, कंपनी लॉ की क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अगले 1 से 2 दिनों में हम लोग कुछ और सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन ज़रूर हमारी डाउनलोड कर लो, डिटेल उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।